शुक्रिया अपा। जिस तरह स्कॉलरशिप इम्तिहान, नीट इम्तिहान वगैरह होते हैं, इसी तरह यूपीएससी इम्तिहान भी होते हैं। इस इम्तिहान की मुकम्मल मालूमात के लिए मैं मिस्टर एहसान सर को इन मिस्रों के तनाजुर में दावत सुखन देती हूँ। मैं इतना आम करूँगा हुनर चरागों का कि जर्रे जर्रे में एक आफ्ताब देखूँगा। मैं अपनी कौम के मासूम नौनिहालों में चराग फूल शफक महताब देखूंगा। एहसान सर, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डाइस पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और सामईन इकराम। हौसला ही असल शय है, हौसला होगर बुलंद। हौसला ही असल शय है, हौसला हो गर बुलंद। माह अंजुम पर पहुंच जाना कोई मुश्किल नहीं। बदलते वक्त के साथ उम्मत मुस्लिमा में तालीमी बेदारी के असरात नज़र आने लगे हैं, लेकिन हमारी सोच एक महदूद दायरे पर अटकी हुई है। हमारे तलबा मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ और ग्रेजुएशन को ही मेराज समझते हैं और उनके शहर से निकलना नहीं चाहते। डीएड, बीएड, नेट और सेट करके किसी स्कूल या कॉलेज में मुलाजमत का ख्वाब देखते हैं, ताकि मुलाजमत के बाद उनकी ज़िंदगी का सफ़र बआसानी कट जाए। हमारी सोच का दायरा वसी होना लाजमी है, ताकि हम पॉलिसी मेकर्स में शामिल होकर अपनी ज़ात, अपना समाज और अपनी कौम की सरबलंदी और अजमत में अजाफा कर सकें। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इसी ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की रहनुमाई करने वाली पूना की तंजीम नॉलेज पार्क चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ 22 अगस्त 2021 बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे उर्दू बसेरा हॉल रईस हाई स्कूल में एंड जूनियर कॉलेज में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत अलुम्मत स्कूल के सेक्रेटरी मोहतरम मोमिन रियाज ताहिर साहब ने की। हम मोहतरम सेक्रेटरी साहब के शुक्रगुजार हैं, आपने इस काम को आगे बढ़ाया और अल उम्मत स्कूल में इस अहम तरीन इम्तिहान की तैयारी के लिए कई प्रोग्राम किए, जिसमें नॉलेज पार्क चैरिटेबल ट्रस्ट के सदर जनाब शेख सोहेल साहब तशरीफ़ लाए और आपने बच्चों की रहबरी फरमाई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम हमारे मुल्क का आला तरीन इम्तिहान है, उसमें कामयाब होने वाले ऑफिसर्स ही हमारे मुल्क का निज़ाम चलाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन बहुत अफसोस है कि आज़ादी के 60 बरसों तक यूपीएससी में मुसलमानों की शिरकत बमुश्किल 2 से 2.5% इसका तनासुब रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मंजरनामा बदल रहा है। इन इम्तिहानात में हमारी शिरकत का फ़ीसद 2 से बढ़कर 12% तक पहुंच चुका है। ये बड़ी खुशी की बात है। इस इम्तिहान की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए स्कूल हाजा के सेक्रेटरी मोहतरम मोमिन रियाज तारी साहब की काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह शहर भिवंडी में हमारा पहला अदारा है जिसने ये प्रोग्राम शुरू किया। इस अदारे में 30 तलबा इस इम्तिहान की तैयारी के लिए कोचिंग हासिल कर रहे हैं। ये 8 साल ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम है जो जमात हश्तुम से शुरू होकर ग्रेजुएशन तक जारी रहेगा। हफ्ते में 2 दिन शनिचर और इतवार को ऑनलाइन लेक्चर होते हैं,
सालाना फीस सिर्फ 1500 रुपये है। 8 साल कोचिंग क्लास के ज़रिए तलबा में इस इम्तिहान में शिरकत के काबिल बनने की इस्तेदाद पैदा की जाती है। इस प्रिपरेशन से हमारे बच्चे न सिर्फ सिविल सर्विसेज में शिरकत के काबिल बन सकते हैं बल्कि दिगर कैरियर्स में भी किस्मत आजमाई कर सकते हैं। मसलन इंजीनियरिंग फील्ड है, मेडिकल फील्ड, फॉरेस्ट सर्विसेज, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, रेलवेज में भी जा सकते हैं, उसके इम्तिहान दे सकते हैं। मुकाबला जाती MPSC, NDA, CA और MBA की तैयारी भी कर सकते हैं, न सिर्फ तैयारी कर सकते हैं बल्कि उसमें कामयाब हो सकते हैं। लिहाजा मैं तमाम स्कूलों से हमारी दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को इस प्रोग्राम में शरीक फरमाएं। इस प्रोग्राम की ट्रेनिंग में शिरकत के लिए स्कूल हाजा के दरवाज़े तमाम स्कूलों के लिए खुले हैं। इस साल इंशाल्लाह हम UPSC स्टडी सेंटर का क़याम अमल में लाने वाले हैं। आप सभी हजरात दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला आसान फरमाएं। शुक्रिया।